students we are on question number two of this exercise of chapter number 12 let's see what are the comprehension question asked by the writer here and the first question is who was helen keller here writer hamsapuchrayek helen keller so we can answer this question in this way that helen keller was a woman हु ड्यू टू एन इस बिकम डेफ एंड ब्लाइंडीन मंथस ओल्ड शी वॉजार रिमार्केबल वुमेन मैनी पब्लिकेशन टू हर क्रेडिट तो सिंपल अल्फाज में हेलन कैलर जो है एक औरत थी जो एक किसी एक बीमारी की वजह से उनको एक बीमारी होगी जिसके नतीजे में उनको वो अंधी भी होगी और बहरी भी होगी जब वो उन्नीस महीने की थी लेटर ऑन शी प्रूव हर्से रिमार्केबल जिसकी बहुत ज्यादा पब्लिकेशन यानी उन्होंने बहुत ज्यादा वो एक जबरदस्त राइटर हैं जिन्होंने बाद में बहुत ज्यादा किताबें लिखी और वो अपने दुनिया में इस दुनिया में मकाम एक खास मुकाम पाया स्टूडेंट्स आई होप आई आंसर द क्वेश्चन सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर टू लेट सी वट इज यज डिस्क्राइब था First paragraph. The author expressed her thought in the first paragraph that it would be an excellent rule to live each day as if we are going to die tomorrow. Such an attitude would emphasize the value of life. So पहले पैराग्राफ ने हेलेन ने एक ऐसा रूल अप्लाई करने की बात की है जहां पे हमें अंदाजा हो या हमें इस बात का इल्म हो कि हमारे पास एक दिन की जिंदगी है और अगले दिन हम मरने वाले हैं इस तरह से ही हम अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं दिस वॉज ऑल इन दिस क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज वट मेक्स यू फील sad एंड डिप्रेस्ड So we can answer this question in this way that I feel that the author is sad and depressed when she asked her friend about any notable thing which she has observed while walking in the woods. In her, and her friend replied nothing. She is sad and depressed because people who are blessed with a sense of sight just ignore the beauty of nature around them instead of appreciating it. in a true sense. Students, we can say that she is depressed because people not giving such attention is needed to give to sense of sight. कि हम वो attention नहीं दे रहे importance of sight को जो हमें देनी चाहिए और जब उसकी friend जंगल में गई घूमने जब वो वापस आई उसने पूछा तो उसके reply से उसे बड़ी embarrassment feel हुई और उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि इंसानों के पास जिनके पास वो ये नेमत है वो उसको अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर रहे और जिनके पास नहीं है वो इसके लिए क्रैप कर रहे हैं कि हमें कुछ देर के लिए सेंस ऑफ साइट मिले और हम दुनिया के नजारों से लुत्फ अंदोज हो सके वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर फोर लेट सी वट इज द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट एन इंप्रेशन दट अ ग्रेट एडमायर ऑफ नेचर कि हमें कैसे पता चलता है कि हेलन कैलर नेचर की बहुत ज्यादा बड़ी एडमायर थी या वो नेचर की बहुत ज्यादा शौकीन थी हेलन कैलर वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ नेचर वी गेट दिस इंप्रेशन वेन शी एडमायर द राइजिंग सन एंड पेजेंट ऑफ सीजन एंड ट्रीज स्टूडेंट्स हमें इस बात का अंदाजा उन पैराग्राफ नंबर नाइन से होता है पैराग्राफ नंबर टेन से होता है कि हेलन कैलर जो है वो एक नेचर की बहुत बड़ी एडमायरर थी यानी उन्हें नेचर की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो एक एक चीज को फील करना चाहती थी और जब वो नेचर की कंपनी में जाती थी तो वो फील करती थी इवन फ्रॉम द टच ऑफ वॉटर वो जब वॉटर को बहते हुए पानी को अपनी उंगली से फील करती थी तो उन्हें तब वो भी अच्छा लगता था एंड द क्वेश्चन नंबर फाइव इज पीपल हुर डिप्राइड ऑफ साइट नॉट डि इमेजिनेशन डिस्कस रेफरिंग टू द कंस्टेक्ट वो लोग जो जिनके पास सेंस ऑफ साइट नहीं होती यानी वो लोग जो अंधे होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं उनकी इमेजिनेशन कहीं नहीं गई होती इट मींस कि उनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है ये हमें बताना है रेफ के सो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह आंसर कर सकते हैं द ऑर्थर इज डिप्राइव नॉट ओनली ऑफ साइट बट ऑल्सो हियरिंग जो ऑर्थर जो है इस पूरे ऐसे का वो सिर्फ साइट से डिप्राइव नहीं है बल्कि उसकी है उसको वो सुन भी नहीं सकती दीज वीकनेस डिट हिंडर हर इमेजिनेशन ये दोनों की दोनों जो वीकनेस हैं जो डिसबिलिटीज़ हैं वो उसकी इमेजिनेशन को बिल्कुल भी मुतासर नहीं कर रही शी इज स्टिल हैविंग अ बेटर इमेजिनेशन द अभी भी उनके पास एक अच्छी इमेजिनेशन है कई आम या कॉमन uh, लोगों से शी कैन स्टिल सी द थ्रिलिंग मेरिकल बाई विच नाइट इज़ ट्रांसफर इन टू द दे वो अभी भी उस जबरदस्त मेरिकल को देख सकती हैं उस मोजे को दे सकती हैं जिसके जरिए नाइट को दिन में यानी कि रात को दिन में कन्वर्ट किया जाता है यानी कि सुबह सादिक का वक्त तो स्टूडेंट आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज टू मीन दीज इंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट

So student, this was all in this question. Let's move to the next exercise.